दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे पता चला है कि आपका एग्जाम है, तो आपको एग्जाम की बधाइयाँ। और महाराष्ट्र में जमहूरियत का भी एग्जाम है, तो आपको अपना भी एग्जाम पास करना है और जमहूरियत को भी एग्जाम में पास कराना है। कराएंगे कि नहीं कराएंगे? लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग वोटर नहीं हों, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम वोटर हों, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वियतनाम वार के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो गूगल कर लीजिएगा। वियतनाम में जब अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका कितना बड़ा ताकत है, एक छोटा सा देश है वियतनाम, तो वियतनाम पे जब बमबारी हो रही थी तो एक बम एक बच्चे के घर पे आकर गिरा। बच्चा खेल रहा था, इत्तफाक से वो घर से बाहर था, उसके माँ बाप उस बम में मारे गए। बच्चा बहुत दुखी हुआ और पास का जो वियतनामी आर्मी का कैंप था वहाँ वो रोते हुए गया, बोला कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ। तो कमांडर ने उसको प्यार से बुलाया अपने पास और बोला कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और तुम युद्ध करने की क्षमता नहीं रखते हो। तो उसने कहा कि मेरी उम्र छोटी है लेकिन मेरा गुस्सा बड़ा है, मेरा जज्बा बड़ा है, मैं अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। तो फिर कमांडर ने कहा कि लेकिन हमारे पास तुमको देने के लिए कोई काम नहीं है, तुम बंदूक नहीं उठा सकते हो। तो उसने कहा कि मैं बंदूक नहीं उठा सकता हूँ, मैं पानी का ग्लास तो उठा सकता हूँ, वियतनामी आर्मी जो लड़ रही है मैं उसको पानी पहुँचाने का काम करूँगा, लेकिन मैं अमेरिका को हराना चाहता हूँ, मैं अपने देश को बचाना चाहता हूँ। इस कहानी का आपके यहाँ जो वोटिंग है उससे क्या संबंध है? उससे यह संबंध है कि हो सकता है कि आप वोटर नहीं हो, लेकिन आपके आस पड़ोस में तो लोग वोट करेंगे, आपके अम्मी अब्बा तो वोट करेंगे, आप सोशल मीडिया तो चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे तो फोटो डालते हैं। आपको एक काम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे अगर ये लोग जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो इंसान को इंसान से बांटने का काम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उछाल करके हमारे बच्चों का जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान का सवाल है, उसको जो गुमराह कर रहे हैं, उनके झूठ को आपको अपनी सच की ताकत से लड़ना पड़ेगा। वो सोशल मीडिया पे यदि नफरत फैला सकते हैं तो आप सोशल मीडिया पे सच और मोहब्बत फैला सकते हैं। ये जिम्मेवारी आपको निभानी पड़ेगी। इसीलिए जब मुझे ये कहा गया, जितेंद्र आवाड़ जी ने कहा कि आप हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आइए, हमने कहा कि हम सबसे पहले नौजवानों से बात करना चाहते हैं, हम यूथ से बात करना चाहते हैं। हम इसलिए बात करना चाहते हैं यूथ से क्योंकि आने वाली जिंदगी उनकी है, ये मुल्क कैसा होगा इस बात पे उनका भविष्य निर्भर करता है। अभी से अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे कि मुल्क में किस तरह की राजनीति की जा रही है, तो आने वाले वक्त में इंसान इंसान का गला काट रहा होगा और हम मूक दर्शक बनकर के तमाशा देख रहे होंगे। वो परिस्थिति नहीं पैदा हो, हिंदी फिल्म का वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। हमको अपना भविष्य बचाना है और उस भविष्य के लिए आज मौका है। आज मौका है कि आप पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट करें। कौन सा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है? एग्जाम्पल ये सेट करने की जरूरत है कि हम जात और धर्म देख करके वोट नहीं करेंगे, हम इंसान का ईमान और काम देख करके वोट करेंगे। ये एग्जाम्पल आपको सेट करने की जरूरत है। आप घूम घूम करके देख लीजिए, जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो काम करते हैं, जो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि ऊपर वाले ने हम सबको एक बनाया है, नीचे वालों ने हम लोगों को आपस में बांटा है, ये आपस में जो बांटने की राजनीति है उसको जो नहीं मानने वाले लोग हैं, काम करने के बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। एक उदाहरण मैं अपने यहाँ का आपको बताता हूँ। मैं पिछले लोकसभा में बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। जब मैं कैंपेन करने जाता था तो दो तरह के सवाल हमसे पूछे जाते थे। पहला सवाल ये, अगर मैं मुसलमानों के बीच हूँ तो पूछते थे कि अच्छा बताइए हिंदू वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और जब हिंदुओं के बीच होता था तो
तो कहते थे कि बताइए मुसलमान वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैं उनको एक ही जवाब देता था, मैं हिंदू और मुसलमान का वोट लेने नहीं आया, मैं इंसान का वोट लेने आया हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है। और दूसरा सवाल वो कहते थे कि लेकिन देश में तो मोदी की हवा है, आप अकेले चुनाव जीत करके क्या करेंगे। तो मैं उनको एक कहानी सुनाता था, मैं कहता था कि एक बार जंगल में आग लगी और बड़े बड़े जानवर बैठ करके तमाशा देख रहे थे। एक कोयल अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। बड़े जानवर उस पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी छोटी चोंच से और चार बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी। कोयल अपने आत्मविश्वास से लबरेज होकर जवाब देती थी कि ये आग तो जरूर बुझेगी, जो आग लगी है उसको बुझना पड़ेगा, जो नशा देश में फैला है उसको उतरना पड़ेगा, लेकिन जब आग बुझेगी तब तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में, आग लगाने वालों में लिखा जाएगा और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये आग आप लोगों को बुझानी है, इसलिए बुझानी है कि यह मुल्क ऐसा कभी नहीं था जैसा आज टीवी पे दिखाया जा रहा है। अगर यह मुल्क ऐसा होता तो इस मुल्क में हजारों संस्कृतियां नहीं होती, हजारों परंपराएं नहीं होती, सैकड़ों धर्म नहीं होते, हजारों रीति रिवाज नहीं होते। और हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, ये देश साझी संस्कृति का देश है, ये देश साझी विरासत का देश है, ये देश साझी शहादत का देश है। इस बात को आप समझिए। और साझी शहादत, साझी विरासत जब हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर राम प्रसाद बिस्मिल हंसते हंसते फांसी पर झूल गए तो अशफाक उल्ला खान ने भी फांसी के फंदे को चूम लिया था। ये इस देश की संस्कृति है, आज उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तोड़ने का काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग भी इस साजिश में शामिल हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन आज हम नौजवानों को ये तय करना है कि हमको कैसी सत्ता चाहिए। हमको नारों वाली सत्ता चाहिए, हमको जुमलों वाली सत्ता चाहिए, हमको झूठ की सत्ता चाहिए, हमको पैसे और बाहुबल की सत्ता चाहिए, या हमको ईमान का सत्ता चाहिए, हमको रोजी रोटी कपड़ा मकान का सत्ता चाहिए, हमको विकास का सत्ता चाहिए। ये बात हम लोगों को सोचना है। और आप देखिए कि किस तरीके से इस देश के इतिहास को पलटने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि वीर सावरकर को भारत रत्न देंगे। अव्वल तो वो वीर नहीं था, उसके नाम के आगे वीर लगा करके वीरों का अपमान करना बंद करो। वो वीर इसलिए नहीं था कि उसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, लिखित माफीनामा दिया था जो आज भी आर्काइव में रखा हुआ है। तो अगर आप माफी मांगने वाले को भारत रत्न देंगे तो हंसते हंसते फांसी पे झूलने वाले भगत सिंह का आप अपमान करेंगे। भगत सिंह के सम्मान के लिए आज हम लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। एक ऐसी राजनीति की शुरुआत करनी है जिस राजनीति में सबकी बात सचमुच होती हो, सिर्फ मन की बात में नहीं होती हो, सचमुच में होती हो। सचमुच में अगर कोई प्रतिनिधि है तो वो आपका वेशभूषा देखकर, आपकी जात देखकर, आपका धर्म देखकर आपका काम ना करे। वो आपका प्रतिनिधि है तो ये उसकी जिम्मेवारी है कि आपकी सड़कें अच्छी बने, आपको साफ पानी मिले, आपको बिजली मिले, आपकी शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो। ये उसकी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी वो स्वयं लेता है। आप बताइए सोच करके, आप में से किसी ने भी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट तय किया है? हर पार्टी अपना कैंडिडेट खुद तय करती है। जब वो हाथ जोड़ करके आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो ये कहने के लिए आते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करेंगे। होता क्या है, आज यहां कल वहां। आज अगर मैं जितेंद्र आवार के साथ खड़ा हूं तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो वजह यह है कि इस इंसान के पास इंटीग्रिटी है। कुछ भी हो जाए, ईडी भेज दें, सीबीआई भेज दें, ये भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे, इसीलिए मैं इनके साथ आकर के खड़ा हुआ हूं। आज हमको साहस की जरूरत है, जो आंख से आंख मिला करके सत्ता से सवाल पूछ सके, जो ईमानदारी के साथ खड़ा हो सके, जिसके ऊपर चाहे जितने भी हमले हों उसको जेल में डाला जाए, उसके ऊपर गोलियां चलाई जाए,
और ये सारी चीजें हमारे देश में हो रहा है। जो बोलने वाले लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उसके बारे में झूठ मैसेज फैला करके उसको देशद्रोही बताया जाता है। जो बोलने वाले लोग हैं उनको गोली मार दी जाती है। यही महाराष्ट्र है। गोविंद पानसारे को गोली मार दी गई, दाभोलकर को गोली मार दी गई, बगल में कर्नाटका है, गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। यूनिवर्सिटी में जो बोलने वाले विद्यार्थी हैं उनको फांसी पर झूलने के लिए विवश किया जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। ये देश के अंदर जो माहौल बन रहा है इसकी जिम्मेवारी हमको लेना पड़ेगा। एक बार मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि याद रखिए, बुरे लोग इसलिए नहीं चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं, बुरे लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं। आपको अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, आपको सच के साथ आंख मिला करके खड़ा होना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। और इसी इंटीग्रिटी के लिए कि ये आइडियोलॉजिकली खड़ा हो, सेकुलरिज्म जो है वो सिर्फ चुनावी नारा नहीं है। वोट मांगने के वक्त जो है लोग सेकुलर हो जाएंगे और जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद कम्युनल हो जाएंगे। आप लोग कल को अपनी पढ़ाई खत्म करके जॉब करने के लिए जाएंगे। आप मुझे बताइए, जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो कंपनी के साथ आपका एक समझौता होता है। अगर कंपनी निकालेगी तो एक महीने का नोटिस देगी, आप अगर काम छोड़ेंगे तो एक महीने का नोटिस देंगे। इन नेताओं का कोई नोटिस पीरियड है क्या? सुबह इस पार्टी में, शाम को उस पार्टी में, सुबह को फिर तीसरी पार्टी में, शाम को फिर चौथी पार्टी में। और ये क्या है, यहां खड़े हैं तो सेकुलर हैं और यहां से निकलेंगे भाजपा ज्वाइन करके कम्युनल हो जाएंगे। कल तक गांधी जिंदाबाद कह रहे थे सुबह में, शाम में गोडसे जिंदाबाद लगाना शुरू कर देते हैं। आज हमको ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना है जो पार्टी सिर्फ दावा करती है सेकुलर करने का, वैसा नहीं। वैसे व्यक्तियों का चुनाव करना है कि अगर उसकी पार्टी भी कम्युनल लाइन पे जाने की कोशिश करे तो वो अपने पार्टी के खिलाफ भी आकर के खड़ा हो और ये कहे कि सेकुलरिज्म हमारा धर्म है, हम सेकुलरिज्म को मानते हैं, ये हमारा संविधान है। और ये भरोसा हमने जितेंद्र आवार में देखा है, ये विश्वास हमने जितेंद्र आवार में देखा है। ये भी बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, उद्योग धंधा करते हैं। इनके घर पे भी ईडी आ सकता है, लेकिन हमने कहा कि ईडी आ जाए कि सीबी आ जाए, मोदी अमित शाह की जोड़ी को हम लोगों को मिलकर के हराना है और इस लड़ाई में आप तमाम लोगों को भी साथ देना है। इसी अपील के साथ मैं आपके बीच आया हूं कि अगर वोटर हैं तो वोट कीजिए। क्योंकि अपने चुनाव का एक अनुभव और मैं आपको साझा कर दूं, जो हमको वोट करने वाले लोग थे वहां का वोट परसेंट 50% था, और जहां पे फॉल्स वोटिंग हुई, बोगस वोटिंग हुई, जहां पे हमको वोट नहीं आया वहां वोट परसेंट 90% था। इसीलिए इस बात को दिमाग में रखिए, एक एक इंसान के घरों में जाइए और अपने माँ बाप से, अपने अम्मी अब्बा से बात करके कि हमको इस मुल्क को बचाने के लिए लोगों को घरों से निकालना है, उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है। खुद वोटर हैं तो वोट करेंगे, वोटर नहीं हैं तो लोगों को कन्विंस करके वोट कराएंगे। क्योंकि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, इस न्याय की लड़ाई में ये मौका हमको जमहूरियत ने दिया है कि अपने वोट के माध्यम से हथियार उठाने की और बम उठाने की जरूरत नहीं है। ये देश आज भी अहिंसा और सत्य में भरोसा करने वाला देश है। ये देश आज भी गांधी के मूल्यों पर चलने वाला देश है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के मूल्यों पर चलने वाला देश है। हमको उस ताकत को समझना पड़ेगा, हमको बस एकजुट होना पड़ेगा। अगर उनकी लाठियां एक हो गई हैं, आप देखिए कि जितने भी बेईमान लोग हैं वो किस तरह से एक हो गए हैं, तो हमारी पीठ भी एक हो जानी चाहिए। मुट्ठी तान करके एकजुट होइए और इस कम्युनल फासिस्ट ताकतों को हराइए और इस देश की जमहूरियत और संविधान के मूल्यों को बचाइए। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अच्छा, वेल माइ